Andham tama pravishanti yesam bhutim upasate tato bhuyaiva te tamo yausam bhutyagam rataha Anya devahura sambhavat Anya dahura sambhavat Iti shushruma dhiranam Yenas tad vichachakshire Sambhutim cha vinasham cha Yastad vedo bhayagam sah Vinashenam rityum tirtva Sambhutyam ratamashnute Andham tama pravishanti yesam bhutim upasate tato bhuya iva te tamo yausam bhutyagam rataha yausam bhutyagam rataha भाष्य देखिएगा अधुना व्याकृत अव्याकृत उपासनयोः समुच्चिशया प्रत्येकं निन्दोच्यते अंधं तम प्रविशन्ति ये असंभूतिं संभवनं संभूतिः सायस्य कार्यस्य सा संभूति ही तस्या अन्या असंभूति ही प्रकृति ही कारणम् अविद्या अव्याकृताख्या ताम असंभूतिम् अव्याकृताख्याम् प्रकृतिम् कारणम् अविद्याम् काम कर्म बीज भूतात्म दर्शन दर्शनात्मिकाम् उपासते येते तदनुरूपम् एवमंधम् तमो अदर्शनात्मकं प्रविशन्ति ततः तस्मात् भी भूयः बहुतरम् इव तमः प्रविशन्ति यौ संभूत्याम् कार्य ब्रह्मणि हिरण्यगर्भाख्ये रताः असंभूति की उपासना को भगवान भाष्यकार ने चार नाम पांच नाम दिए असंभूति ही प्रकृति ही उसी को प्रकृति शब्द से संबोधित किया है कारणम उसी को कारण कहा है अविद्याम तीसरा अविद्या चौथा अव्यक्त अव्याकृताख्या जिसको कहा गया अव्यक्त क्या कहा गया प्रकृतिम कारणम अविद्याम और एक नाम इसको और दिया काम कर्म बीज भूतम अदर्शनात्मिकाम यह जो असंभूति की उपासना है यह अदर्शन की उपासना है अदर्शन का अर्थ हुआ जैसे कि सुषुप्ति की अवस्था अदर्शन की अवस्था है भाष्यकार ने इसके लिए उदाहरण क्या दिया जैसे कि काम और कर्म के जो बीज हैं वह सुषुप्ति में क्या हुए हैं दबे हुए हैं तो यह पंक्ति आपने अंडरलाइन की होगी काम कर्म बीज भूतम अदर्शनात्मिकाम उपासते बोले ऐसे लोग ऐसी काम कर्म की बीज रूपी अदर्शनात्मिका असंभूति की जो लोग उपासना करते हैं
ये वे लोग ते वे लोग कहाँ जाते हैं तद अनुरूपम जिसकी जैसी उपासना की बोले महाराज ये वैसे ही लोक में जाते हैं समझ गया मतलब जैसी उपासना वैसा गमन ऐसा एक सिद्धांत है आखिरी सत्संग में भी ये चर्चा हो रही थी जो व्यक्ति जैसी उपासना करता है उपासना का अर्थ हुआ कि उसके चित्त में जैसा स्वरूप है उसके मरण के बाद उस व्यक्ति को उसी लोक में जाना पड़ता है जिस चीज की वो उपासना करता है तो इसने किसकी उपासना की इसने अदर्शन की उपासना की इसलिए ते तद अनुरूपम ये लोग जैसी उपासना की उसी के अनुरूप तद अनुरूपम एवं बोले ये लोग भी वैसे ही वहीं जाते हैं जिस चीज की उपासना की बोले कहां बोले तमः अदर्शनात्मिकाम प्रविशन्ति ये लोग अदर्शन लोक को प्राप्त होते हैं महाराज इसने तो उपासना की थी इतनी अच्छी बोले उपासना अदर्शन की तो लोग भी कहां जाएगा अदर्शन सो यह प्रश्न मैं आखिरी में उठा रहा था अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाई कि असंभूति की उपासना व्यावहारिक रूप में क्या है पारिभाषिक रूप तो समझ में आ गया कि उसको प्रकृति कहा गया उसको कारण कहा गया उसको अविद्या कहा गया उसको अव्यक्त कहा गया और उसी को अदर्शनात्मिका ये पांच शब्द हैं हो गया ये पांच शब्द हैं लेकिन महाराज कोई जगत में इसकी उपासना करता है आखिर उपास से जिसकी उपासना कर रहा है उसका स्वरूप क्या है कुछ तो बताइए जैसे शिव जी की पूजा होती है तो सूर्य चंद्र की पूजा होती है ये सब तो सुना मैंने तो असंभूति की उपासना कैसी होती है देखो जी इसके बारे में समझाइए क्या है अब ये देखो भाष्य में नहीं लिखा है भाष्यकार को ऐसा पूरा अनुमान है कि इतने शब्दों के कहने से वह जो शिष्य वर्ग है उसको यह सब पता लग गया होगा लेकिन अभी इन्हीं शब्दों से आप खोलो जो आपको शब्द कहे गए कि असंभूति की उपासना कैसी है देखो तो इसके लिए आपको सबसे अच्छी है एक टिप्पणी देखिए यही 49 पेज पर संसारिक ये आखिरी टीका 49 पेज पे संसारिक फिर आगे आ जाइए मिल रहा है सबसे आखिरी शब्द है संसारिक टिप्पणी टीका कह रहा हूं टिप्पणी नहीं कह रहा हूं मिल गया सबको संसारिक दुखानुभावेन अंडरलाइन कर लीजिएगा यहां से संसारिक दुखानुभावेन च सुषुप्तिवत प्रकृति लयस्य पुरुष अर्थमानता अपि उपपद्यते ये इसका अर्थ है उपासना का यह ऐसी उपासना करता है कि संसार के संसारिक संसार के दुखों का अभाव हो जाता है देखो कैसे शब्द लिखा गया इसी को पकड़ना है ये टीका को संसारिक संसार में जो दुख प्राप्त है दुख अनुभव और दुख तो रहता ही है लेकिन उस दुख का उसको क्या हो गया अभाव हो गया बोलते हैं जैसे कि सुषुप्तिवत
सुषुप्ति में सब कुछ रहते हुए भी उस व्यक्ति को उस किसी भी चीज का अनुभव नहीं होता। भाई उसके कक्ष में क्या है, पुरुष है, स्त्री है, बच्चे हैं, बारात है, मरण है, उसको कुछ अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो व्यक्ति किस में है, सुषुप्ति वत। सुषुप्ति की वत को बोल दिया प्रकृति लयस्य, जैसे कि प्रकृति लय। देखो जी इतना ही हिंट काफी है। अब देखो इसको देखो, ये एक ऐसा साधक है महाराज, ये जबरदस्त ध्यान करता है, जबरदस्त ध्यान करता है। और शब्द क्या कहा जाए, ध्यान ही कह लेते हैं। वास्तव में जो श्रुति के अनुसार ध्यान शब्द है, शुरुआत से समझा रहा हूं इस चीज को, श्रुति अनुसार ध्यान शब्द की व्याख्या क्या होगी, ये ध्यान समझ रहे हैं, जिसको आजकल की दुनिया ये मेडिटेशन के नाम से कहती है ना, मेडिटेशन। किसी विषय की सजातीय वृत्तियों के प्रवाह को ध्यान कहते हैं, विषय के सजातीय वृत्तियों के प्रवाह को। और अध्यात्म में इसको दूसरी भाषा में कहा गया कि सुने हुए गुने हुए पर ध्यान करना चाहिए। क्या शब्द बोला गया, सुने हुए पर और गुने हुए पर। इसीलिए वेदांत की एक श्रुति वेदांत की आती है, आत्मा वारे वह मंतव्य श्रोतव्य निदिध्यासितव्य। ध्यान करने का अधिकारी वह है जिस व्यक्ति ने श्रवण पूरा कर लिया हो, जिस व्यक्ति का मनन पूरा हो गया, ठीक है ना, जिस व्यक्ति का श्रवण पूरा हो गया हो, जिस व्यक्ति का मनन पूरा हो गया हो। इसीलिए क्या बोला, सुना हुआ और गुना हुआ। श्रवण से शब्द क्या हो गया, सुना हुआ, और मनन से क्या हो गया, गुना हुआ। अब उस विषय पर क्या कीजिए, ध्यान कीजिए। अच्छा अब इसका उल्टा कर लीजिए, एक ऐसा उपासक है, और ऐसा क्या, समाज में ऐसे लोगों की बहुतायत है 95%। जिन्होंने न तो कभी श्रवण किया है, श्रवण मतलब आचार्य परंपरा से वेद के शब्दों का साक्षात श्रवण, आचार्य परंपरा से वेद के शब्दों का, ये नहीं कि उसने कहीं से रिकॉर्डिंग सुन ली, आचार्य के मुख से उस व्यक्ति ने साक्षात इन शब्दों का क्या किया है, श्रवण किया है, तो पहला तो पूरा हो गया। जो आचार्य गुरु परंपरा से श्रवण किया हो, उन्हीं श्रवण किए हुए विषयों पर उस साधक ने मनन भी किया है, वाह, उस साधक ने मनन भी किया है। अब जिस साधक ने श्रवण कर लिया, जिसने मनन कर लिया, अब वह व्यक्ति क्या करे, ध्यान करे। इतने शब्द बहुत काफी है, बहुत वजनदार है। अभी अभी ही हमारे एक सदस्य हैं, कुछ लोग परिचित होंगे जो कार्यकारिणी में, केकरे जी महाराज, अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी सन्यासी वो काम नहीं कर सकते जो उनको दिया मैंने और कर दिया। पूरा ब्रह्म सूत्र उन्होंने लिखा है स्वामी जी का,
मेरी ऐसी इच्छा थी कि उसको सीडी के फॉर्म में ना उसको किताब की फॉर्म में लाए। महाराज एक एक ट्रैक को 8 बार सुनना और सुनने के बाद उसको क्या करना, लिखना। ओ चार 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 इतने बड़े बड़े मोटे वॉल्यूम में छपेगा। यही नहीं, तैतरी उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली को एक एक शब्द लिखना, पूरा लिख डाला किताब के रूप में। यही नहीं, ये गृहस्थ लोग हैं, मैं आपके लिए जो कह रहा हूं, हम लोग भी बोलते हैं हम गृहस्थ हैं, हमको फुर्सत नहीं मिलती, सब मिलती है, फालतू की बातें हैं। पढ़े लिखे हैं शायद, हम लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। पूरी भागवत जो 48 घंटे की, कितने 6 × 7 = 42, 42 घंटे की भागवत को शब्दशः लिख डाला, इतना काम। प्रमाण विचार जो किसी ने लिखी वो उन्होंने लिख डाली, जो अच्छे अच्छे सन्यासी भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। इतने ग्रंथों का उन्होंने क्या किया, मतलब हम और आप कभी सुन रहे होंगे वो तो कितने बार सुने भाई, 1 से 2 बार सुने होंगे, कोई सीडी भी सुने, 8-8 बार उस ट्रैक को सुनना, एक एक ट्रैक को, आसान काम। और आप मिलिए तो उनको लगता ही नहीं कि सुन के आए, पूरी बुक वो लिख डाली। तो एक उनकी विवशता थी, क्योंकि वो ईशावास्य उपनिषद भी लिख रहे थे, तो उन्होंने एक व्यथा ये प्रकट की कि मैंने ब्रह्मसूत्र तक लिख डाला, आपने बोला और वो भी लिख डाला, जो जो कार्य कहे गए उपनिषद में वो सब लिख डाले। लेकिन महाराज समस्या एक है, इतना लिख डालने के बाद भी मुझे कुछ याद नहीं। हाँ यह अवश्य है कि जैसे ही मैं कोई शब्द बोल रहा था तो उनकी वह सब शब्द समझ में, मतलब गूढ़तम शब्द भी उनकी समझ में आ रहा था, जो आपके सामने नहीं बोल सकता, वह सब शब्द उनको सब समझ में आ रहे थे। लेकिन एकाएक बोले अगर कहा जाए तो अब इस बीमारी का इलाज क्या है, श्रवण पूरा हो गया। मैंने उनसे बोला अगले जन्म में आपको श्रवण की साधना अब नहीं करनी। रमण महर्षि का निधिध्यासन के लिए जन्म हुआ था, हो सकता है अब जन्म होवे, अगर इस अभी बचे हुए समय में आपने ना किया तो मनन और निधिध्यासन के लिए जन्म हो सकता है, लेकिन श्रवण का कार्य तो पूरा हो गया। लेकिन श्रवण पश्चात भी देखो ध्यान नहीं लग सकता व्यक्ति का, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, संभवतः सभी ने सुना होगा 1-2-3 लोगों को छोड़कर। अगर मैं अभी यहीं इसी समय यह कहूं कि दुर्गदृश्य विवेक के अनुसार, हाँ दृश्यानुविद्ध समाधि का वर्णन कीजिए, समाधि लगाइए, क्या कहा गया, दृग्दृश्य विवेक के अनुसार शब्दानु, चलो चलो भाई शब्दा मतलब दृश्यानुविद्ध लगा लो, दृश्यानुविद्ध समाधि लगाइए तो आपके क्या कहें, भागते उड़ गए होंगे। अब कौन सी समाधि, कैसी समाधि, कौन दृश्यानुविद्ध, कौन सी शब्दा। अच्छा अब बात यह है कि क्या आपने सुना नहीं है भाई, क्या सुना नहीं है, बोले सुना। अब मैं अगर आपको कहूं कि दृश्यों का सहारा लेकर चित्त को ध्येय में लीन करना, तो अब आपकी धीरे धीरे शायद स्मृति में आने लगे, दृश्य के सहारे से शब्दों को लीन करना और शब्द के सहारे से मन को लीन करना, दो विधियां हैं। दृश्य के सहारे से किया तो दृश्यानुविद्ध, शब्द के सहारे से किया तो शब्द। देखो उसमें भी एक सविकल्प है और उसमें भी एक निर्विकल्प है। अच्छा अब हम आपका जो चित्त है वह शून्य क्यों हो गया, देखो
श्रवण तो कुछ लोगों ने तो किया होगा, मैं मुझे लगता बहुतायत लोगों ने दीर्घदर्श विवेक सुना भी। आखिर फिर यह स्थिति क्यों है? अगर आपसे कहा जाए कि बैठ के समाधि करो भाई, थोड़ा ध्यान करो 15 मिनट, तो अब आपके सामने मुसीबत क्या होगी पता है? किसका कैसे ले? वो पढ़ा था पूरा, इसी पर था ग्रंथ, क्यों नहीं याद है? मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि शब्दों का रटना आपको याद हो जाए, वो चाहिए भी नहीं, बट वह जो शब्द के अर्थ था वह तो कम से कम चित्त में स्फुरित हो गए। वो क्यों नहीं है? क्योंकि मनन शून्य है ना। अब इसलिए मैं ये कह रहा हूं, वेदांत का जो ध्यान एक्चुअल में जो ऋषि लोग करते थे, वह जो ध्यान करते थे वो ये ध्यान था, सुने हुए पर गुने हुए पर, गुना हुआ मतलब मनन किया हुआ। मैं ऐसा बोलता हूं, मनन किया गया विषय अपना विषय बन जाता है, श्रवण किया गया विषय गुरु का ही रहता है, भले उसने आपको दे दिया लेकिन वो आपका रहता नहीं है, वो गुरु का ही रहता है। लेकिन जिस दिन साधक वो सुने हुए पर गुण लेता है, वो जब जिस दिन उसने गुण लिया उस दिन वो उसकी संपत्ति हो गई, फिर तो उसको याद रहता है। हमको हमारी भी कमजोरी, जिन जिन विषयों पर थोड़ा दिमाग चला, थोड़ा श्रवण किया, थोड़ा थोड़ा इधर उधर बात हो गई, तो वह तो विषय बन गए अपने। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे विषय होंगे जिन पर मनन अभी हुआ नहीं है, और मनन उस पर होना चाहिए, अकेले में एकांत में कहीं भी कैसे भी हो गए, होना तो चाहिए, सोते जागते बात करते होना तो, करना तो पड़ेगा, विधि तो यही है। इसलिए क्या कहें आपको, और ऐसा ही मन में आया संकल्प कि खत्म करने की दृष्टि से नहीं, सायंकालीन सबके लिए नहीं, आप घबड़ाना नहीं कि आपको आना है, सायंकालीन भागवत का सत्संग होवे और भागवत खत्म करने के लिए ना होवे। जो भी स्वामी जी ने बोला उस पर क्या करें, उनके बोले हुए, सब तो नहीं कर सकते, उतनी बुद्धि नहीं, बट उन शब्दों पर गूढ़तम मनन होवे, भले ही वो कितने दिन लग जाए, एक स्कंद में 4 महीने लग जाए वो परवाह नहीं, तो एक एक स्कंद लिया जाए और उसका 7-7 दिन क्या करें सत्संग यही नीचे, तो अब वह जब फिर वह विषय भी अपना हो जाएगा। भाई ये प्रेरणा इसलिए ऐसी समझ में आती है, अब संप्रदाय के हमारे तो नहीं, वो मैं जिनको क्या कह रहा था, क्या नाम है उनका, राधा राधा शरण या राधा मोहन देव, नहीं, एक दोपहर में एक वृद्ध स्वामी है राधा शरण देवाचार्य करके, राधा मोहन है ना, निम्बार्काचार्य महाराज, भागवत पर सत्संग और पोथी सामने नहीं रहती, पूरी भागवत कंठस्थ, भागवती नहीं गर्ग संहिता भी कंठस्थ है। कभी कभी लगता है यही लोग फिर बाद में दिव्य मानव बनते हैं, हम लोग सोचते हैं ऐसा कोई होता था, सामने है भी, वृद्ध से हैं, और आप सुनना 2:30-3 बजे आता है, 3 बजे भी आ रहा था भागवत पर सत्संग कहीं, भागवत का एक एक श्लोक पर टीका टिप्पणी जो है वो कंठस्थ है, रखने की आवश्यकता ही नहीं। अरे वो भी तो मानव है भाई, मानव ही तो हैं, दाल चावल ही तो खाते होंगे, यही तो रहते होंगे, यही बलमूत्र विसर्जन है, यही सोते हैं, इन क्या दिव्य दिमाग बना रखा है, क्या मनन है कि श्लोक वो बोलते बहुत सुंदर बोलते हैं, उपनिषदों पर भी मैंने सुना उनको, ज्ञान बहुत सुंदर ज्ञान है, तो किसी श्रुति को देखने की आवश्यकता ही नहीं। जो हम और आप ये भाष्य देख रहे हैं वह भाष्य भी उनको कंठस्थ है, वाह
इसको देखने से यह तो प्रेरणा मिलती है कि अगर ऐसा भगवान कुछ देना फिर मति हो तभी है जब उसके लिए पहले कभी ना कभी उन्होंने भी तो गर्भ से पढ़ के तो नहीं आए होंगे ना, कभी मेहनत तो की उन्होंने होगी तो उसका फल मिलता है। तो मैं अपने विषय पे आऊं, एक ऐसा साधक है जिसने श्रवण नहीं किया है, जिसने मनन नहीं किया है, लेकिन महाराज घंटों ध्यान करता है, ऐसे लोग हैं समाज में और उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए इतनी जल्दी। लेकिन अब सच्चाई ये है कि एक एक मिनट नहीं, दो मिनट नहीं, पांच पांच सात सात घंटे ध्यान। अब सोचो आप, अच्छा अब सच्चाई ये है कि सुना कुछ नहीं है और गुना कुछ नहीं है, ये भी है बोल दें ऐसा, चलो एक संप्रदाय है विपश्चना, श्रुति सम्मत तो नहीं है विपश्चना, बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को, श्रुति सम्मत तो नहीं है विपश्चना। अच्छा युक्ति की तो बात ही नहीं, खैर जब श्रुति नहीं है तो युक्ति की तो तर्क की तो कोई बात ही नहीं, लेकिन ध्यान जो साधक करते हैं अभी, वो कल जो एक पटियाला से लोग थे वो किसी में ध्यान करके आए, पता नहीं सिर्फ मलमूत्र विसर्जन और भोजन के लिए जो था एक गद्दा दे दिया गया था, बोले उस आधे गद्दे पर ध्यान करते थे और ध्यान के लिए आधा गद्दा और उसके लिए पूरा सोने के लिए, और 3,500 लोगों ने एक साथ एक दिन नहीं 5-7 दिन, और चलने की विधि ये थी कि आंख से आंख नहीं मिलनी चाहिए किसी की, इतना देखो कि टकराव नहीं तो नजर कहां, वो बता रहे थे एक दूसरे के बस पैर पर हो इतनी कि टकराव मत, तो मानव दर्शन ही नहीं। और बोले महाराज बहुत आनंद आया, लेकिन अब उस समय क्यों उनका रस खंडित करना, मेरे मन में ये प्रश्न उठा फिर आखिर वह जो आपने ध्यान किया वो विषय क्या था, बोले विषय कुछ नहीं था, विषय क्या था किसी विषय पे, बोले वो नहीं। लेकिन कितनी देर बैठे, लोग बोलते नहीं है मैं थोड़ा आज 2 घंटे बैठ गया 3 घंटे बैठा दें, अगर आपके आसपास के लोग ऐसे होते हो तो, नहीं हो तो फिर कहां से कोई बोलेगा, लोग बोलते 2 घंटे बैठे 3 घंटे बैठे, कल तो 7 घंटे बैठ गए, कल 4 घंटे बैठ गए, अच्छा बैठे ये सच्चाई है, और महाराज उनको आनंद आया यह भी एक सच्चाई है, इसको भी कोई मना नहीं कर सकता, यह भी एक सच्चाई है, मैंने बोला ही आपको एक का नाम ही ले लिया, अब और क्या बोलूं, जग्गी वासुदेव चलो सद्गुरु, श्रुति तो पढ़ने का तो खैर समय नहीं इतना, वहां ध्यान के लिए बहुत समय, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं असंभूति की उपाय, ऐसे लोग होते हैं क्योंकि वेद ने ऐसी बातें कही हैं, जिनको श्रुति तो नहीं है युक्ति तो नहीं है लेकिन ध्येय कुछ भी नहीं पता, ओहो लेकिन ध्यान के मामले तो बोले क्या हुआ, अच्छा ध्यान, तो बोलते हैं ध्यान के बाद ध्यान करने से महाराज जितनी शरीर की जो नस नाड़ियां थी वो क्या हो गई, ओहो हो हो क्या शांत हो गई, और ऐसा आनंद आया, बोले वो शरीर तो कैसा हो गया नेचुरली आधे, अभी आप 15 मिनट बैठ जाओ, अगर अभी 15 मिनट तो शुरुआत के 15 मिनट बहुत उपद्रव के होंगे आपके, बहुत उपद्रव होगा चित्त में आपके, कभी करके देखिएगा, शुरुआत के 15 मिनट तो उपद्रव होगा लेकिन धीरे से आपकी भी एक स्थिति आएगी 20 मिनट बाद कि आपके उपद्रव भी चित्त के क्या हो गए, शांत हो गए, धीरे धीरे मन लगता है।
तो क्या हुआ? बोले बैठने से जितनी नस नाड़ियां थी वो सब क्या हो गईं? यही नहीं, दोनों स्वर खुल गए, नासिका के दोनों स्वर खुल गए। ओहो, और बोले बहुत आनंद है, आपको ऐसे साधु भी मिल जाएंगे, गृहस्थ तो नहीं पता मुझे, साधु भी मिल जाएंगे महाराज, वो घंटों घंटों ध्यान कर रहे हैं। तो ये प्रमाण, ये वेद है आपका, किस पे ध्यान कर रहे हो? बोले ये सब आप मत पूछा करो ज्यादा, आपने मनन किया, बोले यही सब करके आप हमारे चित्त में विक्षेप पैदा कर देते हो। हाँ, आपको बता रहा हूं, ये साधुओं की जमात की बात, आपको असली बात बताऊं, बहुत सारे साधुओं का कहना है कि पढ़ना और पढ़ाना विक्षेप है। बोलो पढ़ना, बोले पढ़ना किसके लिए भाई, उम्र हो गई, बोले पढ़ते 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 फिर से टीका पढ़ो, टिप्पणी पढ़ो, वो भी इतनी छोटी छोटी रहती है, दिखती है नहीं, फिर से पढ़ाई चालू करो। लो बोले ये शास्त्र खोल के पढ़ना तो विक्षेप है। देखो जी, स्पष्ट है, ऐसे साधु मिलते हैं, असाधु ही हैं और महापुरुष हैं, मैं ऐसा कहूंगा, लेकिन अब उनकी सोच ऐसी है, क्या कहा जाए। इसलिए आप समाज में बोलते हैं कि ऐसे लोग कम दिखते हैं। हाँ, ये श्रुति ऐसी बातें कर रही है आपके सामने कि बहुत सारे साधु समाज में भी ऐसे लोग हैं जो पढ़ने और पढ़ाने को बोले विक्षेप मानते हैं, पढ़ाना तो बोले महाविक्षेप है। तो फिर क्या करो, मस्त रहो बोले अपने आप में, अकेले में बैठ जाओ। अब लोग जो धोनी लमा के रमते हैं वो क्या है, अब आप उनसे पूछो कि शब्दानुविद दृश्यानुविद तो थोड़ी ना आपको कुछ बताएंगे, ब्रह्म क्या है, निर्विकार क्या है, निर्विकल्प क्या है, उससे उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात सच है कि उनका चित्त क्या हो गया, चित्त क्या हो गया, विलीन हो गया। यह भी सच है कि उनको ध्यान करने से बहुत शांति मिलती है, यह भी सच है, कोई इस बात को मना नहीं कर सकता। अच्छा, वह जो ध्यान में जो सुख पाया उन्होंने, वो किसका सुख था? अभाव का चित्त के लय के कारण वो सुखी हैं। सावधानी से विषय पे रहना अपना। चित्त की वृत्तियों को क्या कर दिया, लय कर दिया, संसार के जगत को उन्होंने क्या कर दिया, लय कर दिया। और आप पढ़ चुके हैं इसलिए बोलता हूं संगति लगा के, लय विनाश ने उभय रोध ने आगे, लय गतम पुनः, वाह ये रमण महर्षि, लय गतम पुनः, सुनिएगा उपदेश सार, फिर से सुनिए, पता नहीं कितने लोगों ने सुना, अभी सुना उसको जो YouTube पे आया, मैं आपको बता रहा था। हाँ, किसमें नहीं आता, अरे जिनमें मिशन का नहीं डालना, हाँ मेरे नाम से डालना, तो उसको तो अभी 89 सब्सक्राइबर है उसके, जो लोग सुन रहे हैं। अब वो आपको, ये शर्मा जी ना और सोनी जी, इनके पास आप आ जाना मोबाइल लेके, जिनके पास हो अभी टाइप करा लेंगे। कम से कम एक ट्रैक तो सुने उसका, लय गतम पुनः, लय की गई चीज, हाँ आज नहीं तो कल वापस आएगी, एंड यू हैव टू फेस। किसी चीज को भी आप बीमारी को लय कर दो तो महाराज, एक जगह कैंसर हुआ वहां हटाए तो दूसरी जगह निकल जाता है, दूसरी जगह करते तीसरी जगह हो जाता है।
इतनी छोटी सी फुंसी थी वो आती थी माता जी हमारे यहाँ, एक हटाई तो दूसरी, दूसरी जगह तो तीसरी, बीमारी ऐसी है क्या बोले, ये रोग ऐसा है। कितना लय करोगे आप भाई, ये और भी शरीर में ऐसे रोग होते हैं ना। अब इन रोगों को आप छिपा लो तो थोड़ी देर के लिए छिपा लो, एक सीमा के बाद वो क्या कहेगा, बहुत लय कर लिया तुमने बेटा, अब मैं पूरे शरीर पर क्या होऊंगा। लो आया कि नहीं आया, क्यों आया, लय करने की कोशिश की थी, लय हुआ नहीं, ना होगा कभी, क्योंकि किसी भी चीज का लय किया जाए वो हाँ वापस आएगी दुनिया, ये ठान लो आप। व्यवहार में भी किसी भी समस्या का लय करने की कोशिश मत करो। लय मतलब जिसको बोलते हैं अवॉइड करना, अवॉइड करना, देख लेंगे। लय किया तो आज नहीं तो कल वो चीज आपके सम्मुख आकर रहेगी। अवॉइड करने से कुछ नहीं हो सकता, थोड़े समय के लिए ठीक है, लेकिन इस साधक की सच्चाई है कि इसने ध्यान में मन का लय कर दिया हो, ओ, और अब उसके चित्त में कोई उपद्रव नहीं है, स्पष्ट है उपद्रव शून्य चित्त है। देखो जरा समीकरण बनाना है बाप को, ऐसा एक ऐसा साधक है जिसने अपने मन को लीन कर दिया, लय कर दिया, चित्त में किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं है, लेकिन ध्यान रखना उसके साथ उसको ज्ञान भी नहीं है, उसको ज्ञान भी नहीं है, अंत है ज्ञान नहीं है, ध्यान में मन लगाया है, 8-8 घंटे महाराज ध्यान करता है, ओ हो हो, अब क्या हो गया, ऐसी मनोदशा को प्राप्त हो जाने से, कैसी मनोदशा, कैसी मनोदशा बन गया, चित्त लय हो गया, चित्र उपद्रव शून्य हो गया, जिसके कारण इस व्यक्ति को क्या मिला, सुख मिला। ध्यान रखना, उपद्रव शून्य होने से, लय होने से इस व्यक्ति को क्या मिल गया, सुख। अब ऐसी मनोदशा से इस व्यक्ति को हो गई आसक्ति, आसक्ति मतलब जुड़ा, घूम कर टहल कर फिर से ये कोशिश करता है कि मेरा चित्त क्या हो जाए, ओ हो हो, लय हो जाए, और इस प्रपंच को वो क्या करता है, बोलता है ये प्रपंच के लोग, प्रपंच मतलब ये जगत, ये जगत विक्षेप का कारण है ऐसी। अब देखो आपको मैं दिखाता हूं, ऐसे एक साधक कहीं मिलेंगे आपको, ढूंढना। जगत बोले प्रपंच है, अरे यार जगत क्या प्रपंच है, बोले इनसे बात कर लो तो फिर हमारा चित्त वो हो जाता है, इनसे सुन लो तो फिर चित्त हो जाता है, कुछ पढ़ लो तो चित्त में विक्षेप आता है, तो क्या करोगे। तो बोले यह जो जगत है ये मेरे विक्षेप का कारण, यहां तक कि बोले ग्रंथ भी विक्षेप के कारण, पढ़ने वढ़ने की बात मत करना, बोले बोले वो वेदांतिक पास जाओ किसी के, हमसे ये बातें मत करना पढ़ने पढ़ाने की, और मुझसे कुछ पूछना भी नहीं। हाँ महाराज, कोई कोई साधु होते पूछने से बहुत नाराज हो जाते, चिमटा मार देते सीधा। हाँ मैं तो पानी पिया हूं घाट घाट का, इसलिए पता है ज्यादा आपने उलझ गए, एक चिमटा मारा गए काम से, कोई कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखेगा। हर से आप प्रश्न का संवाद नहीं कर सकते, एक सीमा तक तो ठीक है, बस 2 मिनट तक तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं, 3rd मिनट फिर उनका क्रोध हो, क्यों, कारण क्या है, वो उन्होंने अपने मन को लेकर रखा है और आप उठा के उनके पीछे पड़ गए हो, तो आप उनका कारण क्या बन गए, विक्षेप का कारण।
इसलिए अब आप कई बार बोलते हैं ना, कई बार साधु कंदराओं में जैसे जंगल में अपनी धुनी लगा के क्या है रमे हुए हैं, और ऐसे लोग गुस्सेल भी होते हैं बहुत, प्रश्न उनके लिए बहुत गंदे लगते हैं जो लोग उनसे प्रश्न पूछते हैं। और कोई ऐसी पठन पाठन की बात मत करो। तो अब देखो, अब चित्र आपके सामने धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। ऐसी उपासना जिसमें चित्त का लय हो गया है, लय होने से चित्त को सुख प्राप्त होता है, ऐसी मनोदशा से इसकी आसक्ति हो गई है और जगत इसके विक्षेप का कारण है। पिक्चर स्पष्ट हो रही है? कुछ चित्र बनता है कुछ ऐसा। अच्छा, कि बोले ज्ञान है, बोले ज्ञान नहीं, ज्ञान शून्य है। बोले ब्रह्म का कोई ज्ञान नहीं है, बोले ये सब की आवश्यकता ही नहीं। अच्छा भाई, अब देखो मैं पूरा जीवन इनका दिखाता हूं आपको, ध्यान रखना, लोग महापुरुष हैं, तो इनको चित्त लय होने से शांति और सुख मिलता है। तो अब इनके जीवन की रहनी क्या बन गई? तो ऐसा भोजन, ऐसा व्यवहार और ऐसे से ही मिलते हैं जिससे इनकी यह स्थिति क्या रहे, बनी रहे। अब ये इनका जीवन बना, क्योंकि उद्देश्य वैसा है ना, साधना ऐसी है। हम ज्ञान के पीछे दीवाने हैं, मान लें तो हमको कोई अच्छा साधु मिलेगा जिसमें ज्ञान थोड़ा बहुत दिखता है, तो हम उसके क्या लगेंगे, पीछे लगेंगे कि थोड़ा इससे ज्ञान प्राप्त करें, थोड़ी इसकी अनुभूति लें। लेकिन इनके लिए जो रहस्य, इनका जो लक्ष्य है वो क्या है, चित्त का लय करना। तो अब ये कैसे रहेगा, इसका उठना बैठना कैसा होगा? फिर ये भोजन इतना ही करेगा कि पेट टन न टन हो जाए, चला ही न जाए, मुंह से डकार आवे, ज्यादा खा लो डकार आएगी कि नहीं, ये महाराज इन सबसे दूर रहता है, ये सब बोले नहीं करना है। तो कैसे रहोगे? एक समय भोजन करेंगे, लघुवाशी आया है आपकी, वर्णन दिखाऊं, छठा अध्याय देखो जरा। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, उसने मन को एकाग्र किया, बस महाराज उपविश्यासने युञ्ज्यात, बैठ गया। कैसे रहता है? 16वां श्लोक, नात्तिष्णस्तस्तु योगोस्तु न चैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य। देखो, न ज्यादा सोता है, न ज्यादा जागता है, न ज्यादा किसी से क्या करता है, बात करता है। वाह, और कैसा रहता है? एकाकी, लघुवाशी, मिल गया ये सब। ये छठा अध्याय जिसने पढ़ा है उसके लिए भी याद कर ली, यही है। तो अभी इस उपासक की रहनी करनी जरा देखो भाई, मेरे ख्याल से स्पष्ट हो रहा होगा कैसी साधना करता है, कैसे जीवन में रहता है। तो वो कहता है इतना खाएंगे जिससे कि बैठने में क्या होवे, मदद मिले, ज्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे। अच्छा, तो उसका रहनी, उसका भोजन, उसका व्यवहार, ये सब का उद्देश्य क्या है? चित्त का, इसी चित्त के लय की उपासना को ईशावास्य उपनिषद असंभूति की उपासना कहता है। आ? क्या स्वाभाविक है? उनसे अगर आप गुस्सेल देखो, अगर आप उनको छेड़ो मत, उनको छेड़ो मत, तो आपसे आपसे ये भी नहीं पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन अगर आपने उनकी ध्यान साधना में क्या कर दी, कुछ उल्टी सीधी बातें की, ओहो, तो फिर दिमाग गर्म हो जाता है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, बात यह कि उनकी साधना में विघ्न डाला आपने, तो आपने उनका क्या कर दिया, विक्षेप।
और जब विक्षेप कर दिया, जो व्यक्ति अपना जीवन इसी के लिए दे रहा है, भाई देखो आप, अब आपको गिनाऊं, देखो आप जरा ये सोचो कि आपका मन इतना शांत है, कभी भगवान की वजह से हो, एक कृपा होए तो इतना मन शांत है, प्रसन्न है, ज्ञान में लगा हुआ है, और कोई व्यक्ति आए और उल्टी सीधी बात करे, उल्टी सीधी फालतू और नीचतम बात करे आपसे, तो आपको उस व्यक्ति पर क्या आएगा? आप क्या करोगे उस व्यक्ति पे? एक दिन तो प्यार से ठहरा लोगे, दो दिन ठहरा लोगे? हमारे साथ ऐसी बड़ी मुसीबतें होती है। साधना में ऐसी लय वाली में बाधा आई तो आपको चिमटा लेके खदेड़ेगा, मार देगा। और अपवित्र जहां दिख गए, ओहो, तो साधु की दूसरी जड़ ये, उसको अपवित्रता से बहुत नफरत है। अपवित्र दिखे उसने मारा। देखो ये इनकी दुखती नब्ज यही है, अपवित्र दिखे और फालतू की बातें की, बस ये दो चीजें, और तो आप घंटों कर लो कुछ भी। तो अच्छा देखो, मैं विषय पर हूं, इनकी रहनी, इनकी करनी, इनका भोजन, उनका व्यवहार, सबका उद्देश्य एक है, बोले चित्त का लय। अच्छा ध्यान रखना, ज्ञान इनके चित्त में शून्य है। श्रुति ऐसे व्यक्ति को कहती है असंभूति की उपासना। इनको ऐसा निरउपद्रव चित्त ही इष्ट है। इनसे बोलो चलो भाई सत्संग सुन लो, ईशावास। अरे बोले फालतू की बातें करते हो, हम यहीं पे भले हैं। क्या भले हो? अरे बोले 5 बजे से बैठ गए, 7 बजे तक आराम से। तो देखो उनके लिए ईशावास्य उपनिषद क्या है? विक्षेप का कारण है भाई। कई आपको ऐसे मिलते हैं हमको, देख कि आप पढ़ने आइए, अच्छी बात है, आप अच्छे, तो बोलते हैं ये पढ़ने वढ़ने की बातें मत कीजिए। हाँ तो मैं अपना बैठ जाता हूँ अकेले में, और तो क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। उसके बाद बोले बहुत सुखी होता हूँ। अब ठीक है, हमको ये समझ में आ गया ये व्यक्ति किस उपासना में लगा हुआ है, और क्योंकि श्रुति ने ऐसी बातें बोली हैं, ऐसे लोग मिलेंगे फिर। हो गया? तो ऐसी चित्त की दशा इनकी इष्ट है। इष्ट मतलब ये इनको चाहिए, इष्ट यही इनका लक्ष्य है। अच्छा भाई, और मैं बार बार कहूं ऐसे लोगों को स्वामी जी भी हमारे कहते रहे, ये इनको महाराज महापुरुष कहना चाहिए, महापुरुष। अरे आपसे 15 मिनट नहीं बैठा जाएगा। मैं भी ये बात कह रहा था, अभी किसी को लाए था कल यहां दिखाने, मुझे ये याद है, ये 4-5 साल छोड़ दें अभी के, इसके पहले इसी सत्संग हॉल में 4 कुर्सियां थीं और सब नीचे बैठते थे, काय का पुरुष और काय की स्त्री, इसी सत्संग हॉल में। अब शायद ये पीछे पद्मामा और वीना सैनी 2-3 लोग पुराने, पहले की दशा में सिर्फ 3-4 पीछे कुर्सियां थीं, पूरा सत्संग हॉल कैसा था, और नीचे ही बैठते थे, नीचे ही पढ़ते थे और सब पढ़ते थे। और अभी अरे ये काम कह दो तो वो दर्द हो रहा है, ये कह दो तो ये दर्द हो रहा है। उम्र कितनी, 70 हो गई क्या, 80 भाई जी, 70-80 क्रॉस कर गए तो ठीक है, फिर नाश कर लिया शरीर का, आरामदेही से करके नहीं, कुर्सी पे बैठेंगे ऐसे में ही सोएंगे तो करो फिर, और क्या करेगा फिर, यही सब मिलेगा और क्या होगा। वो भाई जैसे शरीर को बनाए, शरीर वैसा बनता है, आपको बताऊं, लिख के दे दूं मैं आपको, जैसे शरीर को बनाए वैसे ही शरीर को, शरीर वैसा बनता चला जाता है। वो बता रहे थे जो अभी करके आए मेडिटेशन, महाराज उसी गद्दे पे इतना आनंद आने लगा, बोले
काय का हमको मोटा और काय की तकिया और ऐसा ऐसी और बहलाना सब। बोले आनंद आने लगा, ये शरीर ऐसे डल जाता है जैसे डालो नहीं हो तो 10 नखड़े ही शरीर के, फिर तो करो या ये तेल डालो वो तेल डालो, जो मिल जाए सरसों का तेल डाल के चुपचाप बैठ जाओ शांति से, नहीं तो करो फिर यही सब जीवन करे फिर। अब फिर यही समझ में लय विनाश ने, बेटा ये लय करोगे सफेद को काला तो कितने दिन करोगे काला, एक ना एक दिन असली मूरत सामने तो प्रकट होएगी। जो जो आपका प्रेमी वो असली मूरत जानता है आपकी कि आप कैसे दिखाई देते हैं। फायदा क्या है, ये शरीर की ऐसी स्थिति है कि जैसा रखो वैसा हो जाता है। यहीं पे हमने देखी ऐसी स्थिति, इसलिए ये व्यक्ति देखो ये असंभूति का ये कहता है महाराज मैं आसन करता हूं। क्यों करते हो आसन? अच्छा आप बड़ी अच्छी देखो, सब आसन के नाम जानवरों के नाम पर है। कभी आपकी निगाह गई है मयूर आसन, कुक्कुट आसन? तो हमारे स्वामी जी ने एक बार एक योगी व्यक्ति से विनोद किया, भगवान ने तो मानव बनाया था भगवान ने तो बड़ा प्यार करके तुमको मानव बनाया और तुम क्या बनने की चेष्टा करते हो रात दिन, कुक्कुट मयूर वृषभ भुजंग। उन्होंने कहा मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, स्वामी जी ने कहा मुझे याद है ये प्रसंग, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन तुम्हारी वासना मयूर कुक्कुट और भुजंग की ही 24 घंटे होती जा रही है जबकि तुमको बनाया क्या है मानो। अच्छा सुन ये भी सुन, आसन का उद्देश्य क्या है? पतंजलि ने क्या बोला है? ओम ईश्वर जी महाराज आसन का पतंजलि योग सूत्र में एक बहुत सुंदर परिभाषा दी है, बहुत पसंद आई मुझे, स्थिरम सुखम आसना। सही कह रहा हूं? अब मैं ये भी कहूं डायबिटीज कम करने के लिए आसन नहीं, ये पतंजलि ने नहीं बोला है वहां, ये हम लोगों ने जबरदस्ती बनाया है ना। तब भी उनके शास्त्र में आएंगे योग में शरीर, जब शारीरिक आसन की बात करते हैं तो आपको मिलेगा आसन की बात तो की उन्होंने। अच्छा आसन का, हाँ पतंजलि योग प्रदीपिका, आसन का लक्ष्य क्या है? दो चीजें ये याद रखिए, किसी भी आसन का दो लक्ष्य है, एक तो साधना करते वक्त आपको स्थिरता प्रदान करे, फंडामेंटल पकड़ के रखना, आप जबरदस्ती मत करना शरीर से, कुछ नहीं मिलेगा। स्थिरम क्या प्राप्त हो जावे? स्थिरता, इसलिए आसन करो वो एकदम ठीक है। और सुखम क्या मिले, क्या मिले ले, फिर चार दिन न बैठ पाए न उठ पाए, क्यों भाई? बोले आसन करके आ रहे हैं, बहुत सुंदर, न खड़े बनता है न बैठते बनता है। किसने कहा, किसने करवाया? ये बात ये है, किस लिए ये सब कर रहे थे ये सब नाटक? हमारा जो लक्ष्य था वह सिर्फ देखो असंभूति की दृष्टि से मन को लय करने का मेरा लक्ष्य था। लक्ष्य तो क्लियर हो, पता लगा कि गंगा गए गंगाराम, यमुना गए यमुनाराम, जो पकड़ ले गया बोले खाली समय ये करा दो हमको, हल्लो ये कोई बात होती है? जीवन में एक उद्देश्य हो गए कि मुझे यह चीज क्या करनी है, प्राप्त करनी, भले ही योग में हो गए वो भी अच्छी बात है। अब उस जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के अनुरूप क्या करी जाए, फिर सब साधनाएं की जाए। अब सबका लक्ष्य अलग अलग हो सकता है,
भाई किसी का लक्ष्य शरीर को लचीला बनाना है, ठीक है, शरीर को लचीला, तो फिर वो ये सब चीजें क्या करे, करे। लेकिन जिसका लक्ष्य ये नहीं है, जिसका लक्ष्य ये है कि भगवान में मन क्या हो जाए, हमारा रम जाए, लग जाए, शरणागति पूरी हो जाए मेरी, ईश्वर से मेरा प्रेम बढ़ जाए, उसका लक्ष्य तो ये सब, फिर वह जो कर रहा है वो साधना अपने लक्ष्य से क्या कर रहा है, ये विरत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और विरत की अब क्या सीमा होगी ये पता नहीं, कहां तक जाएगा ये पता नहीं, इसलिए एक एक लिमिट, एक लिमिट में बांध दिया गया। क्या किया गया, स्थिरम, भाई पूजा करते वक्त भी तो आसन में ही बैठोगे तो कर लो सुखासन की प्रैक्टिस। वही राधा मोहन शरण देवाचार्य जी को सुना था, 3 घंटे 48 मिनट और शायद 90 दिन का था ऐसा, वह आसन सिद्ध हो गया अगर ऐसा किया जाए तो, 3 घंटे 48 मिनट प्रतिदिन और 90 दिन ऐसा मुझे याद नहीं आता है, तो वह आसन क्या हो गया, सिद्ध हो गया। खैर तो आसन का जो लक्ष्य है वो क्या है, स्थिरम सुखम आसन, ये है, इतना करें भैया मैं सुख से बैठ सकूं इस उम्र में और स्थिरता से बैठ सकूं, स्थिरता मतलब चंचल ना हो दे भाई। आप देखना कई आप लोग तो ठीक हैं, किसी के पैर अकड़ जाता है, किसी का ये हो जाता है, क्यों, क्योंकि शरीर में जो लचीलापन होना चाहिए वो लचीलापन नहीं है, तो सुनने के लिए भी तो चाहिए। आप देखो ना कभी कभी ज्यादा बैठ जाओ तो शरीर में वो क्रैम्स आ जाता है, आता है, तो हम तो भुक्त भोगी हैं इसमें, इसलिए इतना करें कि शरीर किससे रहे, क्योंकि हमारा लक्ष्य, हाँ अब इसका लक्ष्य क्या है, चित्त को लय करना। तो मेरे ख्याल से कुछ इस पर इसकी आपको स्थिति क्लियर हुई, और आपको उदाहरण दे दे दे। अच्छा चलो, रामचरित मानस में महाराज भगवान राम का एक भगत था, उसका नाम था सुतीक्ष्ण, और वो ऐसा मेडिटेशन में बैठा, वहां पे आया ये शब्द है, ध्यान जनित सुख पावा। राम जी खड़े हैं, उसको कुछ नहीं पता लग रहा है, जो उद्देश्य है वो सामने है चित्त के, लेकिन उसने अपने मन को क्या कर लिया, लय कर लिया, भगवान ने उसको उठाया, अरे उठो भाई मैं आ गया हूं, लेकिन उसका मन क्या हो गया था, लय हो गया। ध्यान जनित सुख पावा, प्रभु का सुख नहीं, ध्यान से मिलने वाला। अच्छा चलो एक और चीज बोल देता हूं, ध्यान से मिलने वाले सुख में 2-3 विशेषताएं हैं। ध्यान से मिलने वाला सुख स्वाधीन है, ध्यान से मिलने वाला, ध्यान से मिलने वाला सुख वैराग्यकारी है, ध्यान से मिलने वाला सुख निर्भय बनाता है। चलो ये सब फायदे क्या क्या हो गया, निर्भयता है, निर्भय हो जाता है व्यक्ति, स्वाधीन है, वाह, और सुख तो प्राप्त होता ही है, देखो हो गया। इसीलिए बोलते हैं एकांत, ये 6 अध्याय में आया ना, रहसी स्थिता, कौन सा श्लोक है, अब फिर अब हमारी हम भी आदत से बाज नहीं आते। अब इसमें एक शब्द आया रहसी स्थिता और एक शब्द आया एकाकी, दोनों का क्या अर्थ करेंगे, मिलता है श्लोक, पढ़िए जरा, योगी योंजीत सततम आत्मानम रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा, मिलता है,
तो रहसी स्थित, रहसी मतलब एकांत देशे प्रदेशे स्थित, ध्यान करने के लिए कहां जाओ, एकांत प्रदेश में जाओ, भीड़ भड़के में ध्यान, सबके सामने ध्यान, ये नहीं हो सकता। देखो जी, सबके सामने ध्यान, लोग तो आपको देखें, वो ध्यान की साधना नहीं है। एकांत प्रदेशे, एकांत मतलब प्रदेश है, मतलब ऐसे प्रदेश में जाओ। अच्छा, दूसरा रहसी स्थित, रहसी स्थित मतलब है वहां, स्वामी जी ने भी लिखा है, भाष्यकार ने भी बोला असहाय, असहाय मतलब ये हुआ अकेले जाओ, पलटन लेके मत जाओ। स्वामी जी ऐसे बोले, पांच छह लोग जा रहे हैं, बोले क्या करने, ये पलटन क्या करने जा रही, बोले ध्यान करने जा रही। कितने लोग, पांच छह लोग, तो ये ध्यान होगा, फिर गपसड़ाका होगी, बातें होंगी, एकांत में रहो। और असहाय, बहुत ज्यादा लोग आपके साथ में नहीं होने चाहिए, तब तो कौन सी साधना हो सकती। ये किसका अर्थ बता रहा हूं मैं, रहसी स्थित हो गया। अब आप कुल मिला के इतना मान जी बताइए, इसने असंभूति की उपासना की, ठीक है, और असंभूति की उपासना में इसने क्या किया, चित्त को उसने क्या कर दिया, लय। ऐसे जिसने चित्त को लय कर दिया, उसकी गति भी कहां होगी, उसका भी क्या होगा, लय होगा, उसका भी क्या होगा, लय होगा। इसलिए इसको ऐसे लोक में जाना पड़ा जहां पर अदर्शन, अदर्शन मतलब वहां दिखाई, अब मिल रहा है, संगति मिल रही है। वार्षिक पंक्ति देखिए 49 पेज की नीचे से तीसरी, ये ते, ये ते तद अनुरूपम एवं, उसी के अनुरूप, किसके अनुरूप, उपासना के अनुरूप क्या करता था, अदर्शन की साधना करता था, अव्यक्त की साधना करता था, अदर्शन की साधना करता था, लय की साधना करता था। सब अभी शब्द समझ में आ रहे हैं, लय की साधना करता था, अव्यक्त की साधना करता था, अदर्शन की साधना करता था, तदनुरूपम एवं जैसी साधना करता था, तमोह अदर्शनात्मकम प्रविशन्ति, उसको ऐसे ही लोक में भगवान ने भेज दिया, हाँ, जहां उसका दर्शन, कैसा लोक है वो, अदर्शनात्मक लोक, जैसी उपासना वैसे जाओ। इसको बोलते हैं प्रकृति लय, ये देखो योग सूत्र में आएगा, कहां चला गया, प्रकृति लय, मतलब जब तक इस सृष्टि में प्रकृति दोबारा नहीं होती, ऐसा व्यक्ति क्या हो गया, लय हो गया, जाओ आन से रहो, जैसी उपासना थी। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही प्रकृति यहां फिर से आई, वैसे ही आपका फिर से क्या होगा, जन्म तो होगा, क्योंकि जो बीज है वो नाश तो हुआ नहीं है, बीज तो अभी भी हैं आपके, वो तो आपने थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया, जैसे आप सत्संग में बैठे हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपकी इच्छाएं क्या हो गई, लय हो गई अभी, लेकिन जैसे ही कक्षा खत्म हुई तो वो आपको फिर से खींचने लगे, चालू करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी तरह से वह व्यक्ति थोड़े काल तक तो क्या रहेगा, लय रहेगा, लेकिन उसके बाद उसका फिर से क्या होगा, जन्म होगा। जरा ये जो मैंने पढ़ाया था इसको अंडरलाइन जो कि फिर से देख लीजिए, संसारिक टीका थी ना, आप शायद समझ में आ जाए टीका ज्यादा और अच्छे से, संसारिक दुख अनुभवेन, मिल रहा है, इस संसार में दुख को दुखानुभव,
दुखों की अभाव करने के लिए, देखो स्पष्ट मिल रहा है कि नहीं, दुखानुभव अनुभवेना सुषुप्तिवत। वाह क्या देखो क्या भाषा है। जैसे कि सुषुप्ति में व्यक्ति क्या हो जाता है, लय हो जाता है, सब चीजें सब कुछ रहता है बट सिर्फ क्या हो गया, वो लय हो गया सुषुप्तिवत। इसी तरह से प्रकृति लयस्य, ये व्यक्ति क्या चाहता है, पुरुषम अर्थमानम, अर्थ मतलब इच्छा, पुरुषार्थ भाई, पुरुषार्थ मतलब पुरुष की इच्छा, तो पुरुष अर्थमानता, यही इस पुरुष की इच्छा थी और भगवान ने इसको वैसा ही क्या कर दिया, प्रकृति लय की ओर क्या कर दिया, भेज दिया, बन गया। तो किसकी उपासना हो गई अब, इसकी असंभूति की। अब कौन रह गया, अब संभूति रह गया।